अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आफिस अबूबकर और आप देख रहे हैं एस एस इंसानी चैनल। नाज़रीन, आपने बच्चों का रिज़ल्ट देख लिया, जो बच्चे को मैंने एक शूट की खाका देख लिया आपका, तो ये है सर उनके जो प्रेसिडेंट है चैनल के, तो ये चला रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं। इनका जो इंटरव्यू हम लेते हैं इनसे पूछते हैं, और ये सर बैठे हैं, इनका नाम है सर यूसुफ साहब, ये भी उस चैनल पे लेक्चर देते हैं, और मेन इंग्लिश का जो टॉप क्लास लेते हैं वो है ये सर लुकमान सर। तो हम इनसे बात करने का सिलसिला जो है शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप जिस हसन से मैं बराह रास्त बात कर रहा हूँ, ये मेरी खुश किस्मती है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये सिलसिला कब से आपने शुरू किया हुआ है स्कूल का? ये स्कूल का सिलसिला जो है हमारे पास 2016 से है। अच्छा, इसका मतलब आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद आप ये बताएं कि ये यूट्यूब चैनल पे आपने कैसे सोचा, एक बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचा या वैसे आपने अर्निंग के लिए सोचा? नहीं नहीं, अर्निंग के लिए मैंने सोचा नहीं है, ये मैंने यही इसलिए बनाया है। हम इकट्ठे बैठे थे, लुकमान साहब थे, मैं था, जैद साहब थे, यूसुफ साहब थे, मैंने सोचा है कि ताकि यहाँ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वही बच्चे अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो घर जाएं, हमारे चैनल को देखें, वहाँ वीडियो देखें, जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही वो वहाँ से जाकर ना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वजह से हमने बैठ के मशवरा किया है, फिर जाके यूट्यूब चैनल अपना बनाया है। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि यूट्यूब चैनल हमने इसलिए बनाया ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, घर जाके जो फिल्में मूवीज़ देखते हैं वो, उसके बजाय इस वीडियो को देखे ताकि अपना मुस्तकबिल संभाल सकें और अपने जो है एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। जी सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी तालीम कितना है? वैसे मैंने BS मैथ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है ना मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन बस हालात की वजह से मेरी तबीयत सही नहीं होती थी, वैसे मैं बीमार पड़ गया था, इस वजह से मैंने स्टडी जो है ना छोड़ दी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपने ही इलाके में बच्चों को तालीम दूं, ताकि बच्चे आगे चल के, आगे यानी कि बढ़ के कुछ ना कुछ बने, हमारे जो है ना इलाके का नाम हो। इस वजह से मैंने फिर स्कूल ओपन कर लिया, कोई जॉब नहीं की, कोई सरकारी जॉब नहीं की, ना ही मैंने अभी तक कोई अप्लाई की है इस वजह से। अच्छा, आपने एक इलाके की खैर खाई और बच्चों के लिए एजुकेशन ओपन किया, ठीक है, ये तो ठीक होगा। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लेक्चर देने हैं यूट्यूब पर, जो यूथ हमने देख रही है, एक अहम पैगाम है उनके लिए, खुशखबरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है घर जाके फिल्में मूवीज़ इस तरह लग जाते हैं। मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे बच्चों के वालदैन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को फिल्में मूवीज़ के बजाय आपने इस चैनल पर फोकस करवाना है। तो सर, हम आप ये बताएं कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं चैनल पर? जी चैनल पे तो मैं साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ा लूँगा इंशाल्लाह। मेरी जो फेवरेट है वो मैथ पढ़ाता हूँ। अगर किसी बच्चे को मैथ नहीं आती, कमज़ोर है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको, मेरे पास काफ़ी तरीके हैं, मैथड हैं, जो कमज़ोर बच्चा है उसको भी मैं पढ़ा सकूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है कि बच्चे को कैसे गाइड करना है। मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गई, ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा भी सही। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती वो बार बार मुझसे पूछ सकता है, मैं हाज़िर हूँ। जी, आपने वहाँ पर चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, तो उसके बाद जैसे ये वीडियो अपलोड करेंगे तो कंटली आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी, तो आप उसको वॉच करने के बाद अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर लिख सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं आया, तो ये सर आपको दोबारा रिपीट करवा देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमने सर अकबर शरीफ साहब से बात की है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और हम बात करते हैं जो चैनल के नेक्स्ट जो टीचर है, लेक्चर देते हैं इंग्लिश के, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो हम ये बताएं कि आपने कब से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है स्कूल में पढ़ाने का? बड़ी मेहरबानी साहब आपने मुझसे पूछा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना तकरीबन ये एक महीने से सर अकबर शरीफ साहब के स्कूल में मौजूद हूँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर का सिलसिला हमने शुरू किया है उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों को ना अच्छे कॉलेज तक या फिर स्कूलों तक उनको रसाई नहीं होती, वो अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुँच पाते, तो इसीलिए उनके लिए ये हमने चैनल बनाया है ताकि बच्चों की जो है ना तालीम आगे बढ़ती चली जाए। तो इसी वजह से सर ने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए मदद किया है। ये हमारे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं से मैं पढ़ के
आज जो है ना यूनिवर्सिटी के IUB में फिफ्थ सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तो इन्हीं की सिर्फ ऐन नवाजशें थी और इन्हीं की मेहनतें थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की मेहनतों से आज मैं इधर मौजूद हूँ और इसी सर ने मुझे अपने ना स्कूल में पढ़ाने के लिए मदऊ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ इस वक्त IUB में और अपना टाइम निकाल के ना इन बच्चों के लिए, जो मतलब है कि जिन बच्चों को अच्छे कॉलेज तक जो है ना रसाई नहीं मिलती, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चर दे रहे हैं बाकायदगी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप किस सब्जेक्ट पढ़ा, जो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में और चैनल पे कौन से सब्जेक्ट आप लेक्चर देंगे? जी अबू बकर भाई, मेरा जो है ना, क्योंकि हर किसी का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लेक्चर जाता है वो इंग्लिश का जाता है इस यूट्यूब चैनल पर, और मेरा पसंदीदा जो है वही इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट में जो है ना मैं मास्टर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट यही इंग्लिश है और इसी इंग्लिश की मैं लेक्चर देता हूँ इन बच्चों को। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तलीम कितना है? तलीम मेरी अम्मा है BS इंग्लिश की, BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक IUB में फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर है, तो इनका कहना है कि मैंने इंग्लिश जो है सब्जेक्ट वो पढ़ाता हूँ, लेक्चर देता हूँ। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश, जो बच्चा कमज़ोर है, तो इनसे आइडिया भी पूछ सकता है कमेंट में, तो किस तरह वो अपने आप को दुरुस्त कर सकता है, और अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो भी इन सर से पूछ सकता है। तो इन सर का जो चैनल है आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि GS एजुकेशन के नाम पर है, और इनका जो चैनल का ऊपर जो प्रोफाइल पिक लगी हुई है वो इनके स्कूल की है। तो इनका स्कूल भी है, ये काफ़ी अरसे से स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। ये जो सर हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, तो मैं यही कहूँगा सब बच्चों को जो हमें देख रहे हैं, तो GS एजुकेशन चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि आप जैसे जो बच्चे हैं वो इनको देखकर कामयाब हो सकें और आपको दुआएं दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सर का जो मकसद है चैनल बनाने का, सिर्फ यही है कि बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, और कोई अर्निंग के लिए नहीं है, किसी से कोई पैसे नहीं लेंगे, और ये फी सबीलिल्लाह इस चैनल पर पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप का हक बनता है सदका जारिया समझ कर इसको शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि जो अच्छी बात है वो दूसरों तक पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी और आपका भी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें SSA इंसानियत चैनल। SSA इंसानियत चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।